नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। आज मैं दोस्तों सैमसंग माइक्रोवेव की आपको पीसीबी के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। कई बार हम कनेक्शन खोल लेते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। दोस्तों ये हमने इसकी पीसीबी आगे से निकाली हुई है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि इसकी हम जो आगे वाला कार्ड था वो ख़राब हो गया था, वो हमने इसमें स्विच लगा दिए हैं पीसीबी में। अब इस कार्ड को हम लगाएंगे ऐसे। दोस्तों इस कार्ड को लगाने के लिए यहाँ पे इसके, आप ध्यान से इसको देखोगे, इसके लॉक बने होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ एक ये लॉक जो है सामने, ये नीचे फंसा देना है और एक ऊपर की तरफ फंसा कर इसको ऊपर से हल्का सा नीचे को प्रेस करना है ऐसे। और दोस्तों यहाँ पे इसके एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को लगाने से ये पीसीबी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसके जो जैक होते हैं, कुछ जैक तो इसके दोस्तों डिज़ाइन के हिसाब से बने होते हैं, उसमें और कोई जैक लगेगा ही नहीं, वो तो आप आराम से लगा सकते हो। जैसे एक जैक में तीन वायर हैं और एक में चार वायर हैं, ये देखिए दोस्तों तीन वायर वाला जैक लगा दिया और ये चार वायर वाला जैक लगा दिया। और एक दोस्तों ये वाइट जैक लगा हुआ है, ये भी हम वाइट जैक में लगा देंगे। दोस्तों दिक्कत हमें इस कनेक्शन में आती है क्योंकि ये एक तरह से होते हैं और हम कई बार भूल जाते हैं कि कौन सी तार कहाँ लगी है, इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिए ताकि जो आपको इसका पता लग सके। रेड जैक को राइट साइड और ब्लू जैक को लेफ्ट साइड, और जो ट्रांसपेरेंट जैक लगा है उसको नीचे की साइड लगाएंगे ऐसे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि जो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।